और अब खबर इंदौर से है, जहां महू उपजेल में 2007 में हुए जीतू ठाकुर हत्याकांड मामले में जिला कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं हत्याकांड के कथित मास्टरमाइंड युवराज कासित सहित तीन लोगों को इस मामले में बरी किया गया है। इस हत्याकांड में करीब 15 साल बाद फैसला आया, जिसमें करीब 93 गवाह कोर्ट में हाजिर हुए, जिसमें 77 पक्ष विरोधी हो गए। युवराज कासित के पिता और टेक्सटाइल मिल कर्मचारी यूनियन के नेता विष्णु प्रसाद उस्ताद की हत्या में गैंगस्टर जीतू ठाकुर महू उपजेल में बंद था। जेल के अंदर ही जीतू के हत्या के मामले में अपर सत्र जिला न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने अहम फैसला देते हुए दो आरोपियों अशोक पिता बाबा और विनोद उर्फ विकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो वहीं तीन आरोपियों युवराज कासित, यशवंत और करण उर्फ विजय को बरी कर दिया है। इस बहुचर्चित मामले में पुलिस ने 15 साल में कुल 93 गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष करवाए, जिसमें 77 गवाह अपने बयानों से पलट गए। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में आरोपी युवराज, उस्ताद यशवंत, करण उर्फ विजय, अशोक बाबा, विनोद उर्फ विकी और अशोक मराठा को आरोपी बनाया था। न्यायालय ने मुख्य गवाह शैलेंद्र कैलाश और हरि प्रसाद के द्वारा बयान बदलने पर संज्ञान पे लेते हुए परिवाद लगाया। महू जेल में गैंगस्टर जीतू ठाकुर को 23 जून 2007 को जेल के अंदर ही गोलियों से भून दिया गया था। जेल में पहले से एक अपराध में बंद आरोपी अर्जुन उर्फ बाबा से जीतू की पूरी रेकी कराई गई थी। जिस दिन जेल में ये कांड हुआ, तब जीतू खिड़की पर ही मुलाकात ले रहा था। तभी भेष बदल कर आए आरोपियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद महू जेल के कई वरिष्ठ अफसरों पर भी गाज गिरी थी। पुलिस द्वारा हत्याकांड में आरोपी बनाए जाने के बाद युवराज और उनके साथियों ने सरेंडर कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपी अशोक पुत्र बाबा साहब को भी आरोपी बनाया था, जिसकी काफी समय पहले ही मौत हो चुकी है। इस मामले में युवराज के साथ अशोक मराठा को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया गया है।